आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दोस्तों आज बीट उनके गलियारों की चटपटी गॉसिप्स के साथ मैं रेनू माथुर हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी इस खास पेशकश बॉलीवुड रैप के साथ, जहां मैं आपको बताऊंगी आखिर प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने कैसे लगाई शकीरा के गाने पर जमकर ठुमके, कियारा आडवाणी को किसने कह दिया लड़कियों की इमरान हाशमी, इसके साथ ही नई नई मम्मी बनने जा रही आलिया लंदन में किसके साथ कर रही है जमकर पार्टी, इन सबके अलावा और भी है बहुत कुछ खास, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर कांड की, जिसकी आग बॉलीवुड तक फैलती हुई नजर आ रही है। उदयपुर में जिस तरह से एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इसी वजह से बॉलीवुड भी इस मामले पर काफी भड़का हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज अहमद को इस घटना के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड सेलेब्स इस कांड पर अपना रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत से लेकर स्वरा भास्कर समेत कई सेलेब्स ने घटना को लेकर अपना दुख जताया है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट ने जब से प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया है तब से फैंस एक्ट्रेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त आलिया भट्ट लंदन में अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर रही है और वहीं से उनकी काफी खूबसूरत फोटो सामने आई है। आलिया के चेहरे पर मम्मी बनने का ग्लो साफ नजर आ रहा है। इस फोटो में उनके साथ मनीष मल्होत्रा और करण जौहर भी नजर आ रहे हैं। आलिया के लुक की बात करें तो व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही आलिया बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। रणबीर आलिया के माता पिता बनने का इंतजार अब लोग बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त ये जोड़ा फटाफट से अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है ताकि आलिया रणबीर अपने बच्चे की ग्रोथ जर्नी को एंजॉय कर सके। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस को शकीरा ने दिया बेली डांस का चैलेंज। बेचारे ने कोशिश तो की लेकिन रिजल्ट देखकर हंसबड़ी ऑडियंस। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस ने शकीरा के गाने पर बेली डांस करने की कोशिश की है। अपने पति का ये डांस देखकर प्रियंका चोपड़ा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हालांकि निक जोनस ने ये मान लिया है कि बेली वेली डांस उनके बस का नहीं है। निक जोनस ने भी इंस्टाग्राम पर अपने बेली डांस का ये वीडियो शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को किसने कह दिया लड़कियों का इमरान हाशमी? जी हाँ दोस्तों, कियारा आडवाणी को फिल्म क्रिटिक केआरके ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया है। आपको बता दें कि केआरके ने कियारा आडवाणी को ट्रोल तो किया ही, इसके साथ ही जो उन्होंने पोस्ट किया है कियारा आडवाणी को लेकर, उसमें उन्होंने कियारा को लड़कियों का इमरान हाशमी ही बता डाला। इसके साथ ही जुग जुग जियो की पूरी स्टार कास्ट पर भी केआरके ने काफी गंदे कमेंट्स किए हैं। साल 2003 में शाहिद कपूर के साथ इश्क विश्क से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरी, आपको याद है ना? बॉलीवुड एक्ट्रेस से ट्रेवल व्लॉगर बनी शहनाज ने अपना एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें शहनाज ट्रेजरी को एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जिसे फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस बीमारी की वजह से एक्ट्रेस लोगों को पहचान नहीं पाती है, यहाँ तक कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी एक्ट्रेस पहचान नहीं पा रही है। इसके बाद एक्ट्रेस ने बताया कि इस वजह से उन्हें काफी शर्म महसूस होती है। पुष्पा फिल्म से करोड़ों लोगों के फेवरेट बने अल्लू अर्जुन आजकल ट्रोल होते जा रहे हैं। कभी उनका बढ़ता हुआ वजन उनके लिए मुसीबत बन जाता है तो कभी जिस तरीके से मीडिया को वो पोज नहीं देते तो लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। जी हाँ, अल्लू अर्जुन एक बार फिर से ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। एक्टर को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया जहां वो फैमिली के साथ नजर आए, लेकिन उनकी एक बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फैमिली के साथ स्पॉट होने पर सिर पर गोल टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए अल्लू का स्वैग देखने लायक था, लेकिन मीडिया को देखकर अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके से मुंह बनाया, पेपराची को कोई पोज नहीं दिया, उसकी वजह से अल्लू अर्जुन को काफी ट्रोल किया जा रहा है। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर तहलका मचा दिया है। फिल्म रिलीज के बाद से ही रोज नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है ये फिल्म। 14 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अब फिल्म रिलीज के 75 दिन के बाद दुनिया भर के थिएटर से बाहर आ चुकी है। केजीएफ चैप्टर 2 ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से रिकॉर्ड बना दिया था। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 60 करोड़ का कलेक्शन किया, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा उनकी टीम इस वक्त कनाडा टूर पर है। इस बीच कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। कपिल शर्मा ने हाल ही में कृष्ण अभिषेक का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अपने मामा गोविंदा के गाने चलो इश्क लड़ाई पर पोल डांस करते नजर आ रहे हैं एक्टर। इसमें कृष्ण अभिषेक अपने मामा गोविंदा के गाने पर जैसे डांस कर रहे हैं, उसके बाद फैंस को काफी खुशी है कि चलिए मामा भांजे में अब सब कुछ ठीक हो गया है। दोस्तों बॉलीवुड रैप में आज हमने आपको बताई दिन भर की वो खबरें जो काफी छाई रही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट, और इसके साथ ही अगर आपने फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए।